हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से रहता है। हमने हमेशा से एंजॉय करा है पाकिस्तान के साथ। एमएस धोनी फिनिशर का रोल निभाया है बहुत ज्यादा। हम लोगों को जीतना है इस बार। आगरा की बेटी और हनुमान जी की कट्टर भक्त दीप्ति शर्मा का चयन भारतीय महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए हो चुका है और अब घर में एकदम खुशी का माहौल है और आज ही प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन भी हो गए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसा अनुभव रहा प्रेमानंद जी महाराज जी का, तैयारी के बात हम करेंगे। अरे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा उनको सोशल मीडिया पे देखा है और टीवी में देखा है और आज सामने से उनके दर्शन करने को मिले और जो उन्होंने पॉजिटिव कुछ बातें बोली वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि पहले भी कुछ प्लेयर्स को उन्होंने मोटिवेट करा है जो उनके पास आए थे, तो मेरा भी था और फैमिली का भी था कि हमें सामने से मिलना है उनसे, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आए उनसे मिलके और काफ़ी अच्छा लगा। विराट कोहली भी उनके पास गए थे, आपने सवाल भी पूछा था, उन्होंने जवाब भी दिया तकरीबन 8 मिनट। क्या सवाल था, दर्शक जानना भी चाहेंगे। कुछ नहीं, बस जैसे कभी कभी होता है कि फॉर्म अच्छा नहीं चलता है, एक टाइम ऐसा आता है कि कभी उतार चढ़ाव आते हैं, तो मैंने उसके लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं अपने ऊपर भरोसा रखो और जो प्रयास कर रहे हो उसको करते रहो और फल मतलब उसकी रिजल्ट की चिंता मत करो, अपना बस अच्छा करते रहो और बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो। दीप्ति हनुमान जी की इतनी तगड़ी भक्त है कि इंग्लैंड में भी वो हनुमान जी का मंदिर खोज लेती है। मैं तो कहीं भी मतलब वर्ल्ड में जाऊँ, मेरे को ऐसे मंडे ट्यूसडे और सैटरडे होता है तो मैं मतलब चली जाती हूँ उनके दर्शन करने। अब चूंकि अब 9 साल के करियर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास अब फिर से आई है, आशीर्वाद भी ले लिया आपने, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है क्योंकि हर 2 साल में रहता है T20 और बड़ा इवेंट रहता है हमारे लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो भी ग्रुप बने हैं तो काफ़ी अच्छे ग्रुप बने हैं और थोड़ा सा फाइटिंग रहेगा, लेकिन मेरा तो यही है कि जो अभी तक सीरीज में करती हुई आई हूँ सेम रोल रहेगा मेरा और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे, जो भी इम्प्रूव करा है अपने गेम में धीरे धीरे करके बस उसी पे सेम फॉलो रहेगा। ये भी बहुत लोग जानना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया है वो मजबूत टीम लोग मान रहे हैं, पाकिस्तान से भिड़ने का आपका जब बड़ा वो रहता है कि इंडिया में कि जब तक तो पाकिस्तान से दमदारी से ना फाइट की जाए तब तो मजा नहीं आता है, क्या लगता है इस बार सबसे कड़ा मुकाबला किससे मान रहा है? कड़ा मुकाबला तो मतलब लास्ट में आके ऑस्ट्रेलिया से रहता है क्योंकि इंटरेस्टिंग गेम तो हमने हमेशा से एंजॉय करा है पाकिस्तान के साथ और वो हमारा 3rd गेम होने वाला है अभी वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता है कि हम हमेशा टक्कर में आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो इस बार मुझे लगता है हम जैसे जो हमने पिछले 5-6 महीनों में प्रैक्टिस करी है और जो मैचेस खेले हैं सीरीज खेली हैं उससे काफ़ी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और हम मैं चाहती हूँ कि इस बार हम और भी अच्छा करें, जो सबको वेट है ट्रॉफी का। कोई प्लेयर ऐसी जिससे लग रहा है कि इससे भाई कड़ा मुकाबला है और इस बार माने जम के देखना है? प्लेयर का तो ऐसे नहीं बोल सकती मैं क्योंकि प्लेयर देखिए छोटा हो या बड़ा सारे इक्वल होते हैं, मैं तो इक्वली समझती हूँ क्योंकि इतना फोकस नहीं करती क्योंकि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि हमें कैसे कंट्रीब्यूट करना है, कैसे मैचेस जिताने हैं टीम के लिए, तो दूसरे से ज़्यादा हम अपने पे फोकस करते हैं जिससे हम और बेहतर कर सकें। पुरुष टीम की बात की जाए तो कोई प्लेयर जिनसे आप इंस्पायर हुई हों या फिर महिला कोई क्रिकेटर जिससे आप इंस्पायर हों कि भाई इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और ये यात्रा जारी रहेगी? वुमेन्स क्रिकेट में तो मिताली दीन है काफ़ी, मतलब जब मैंने डेब्यू करा था तो उस टाइम पर बहुत मोटिवेट करा उन्होंने कि बहुत कूल रहते थे और काम रहते थे अंडर प्रेशर, जब भी जो भी मैचेस खेले उन्होंने तो उनसे वो चीज़ सीखी मैंने और एमएस धोनी जो सर है उनसे भी सेम चीज़ सीखी क्योंकि उन्होंने फिनिशर का रोल निभाया बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ मैंने अपने गेम में भी डाला है, तो ये सब दोनों प्लेयर से सीखने को। तो आपकी तैयारी की बात हो गई, आप थोड़ा घर की बात कर लेते, जब भी आप क्योंकि बहुत लंबा टूर हो जाता है बड़े दिनों के बाद घर लौटती हैं, वहाँ का खाना बहुत मिस करती होंगी आप? सही बात है क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी चले जाओ आप हमेशा मिस करते हो, सबसे बड़ी बात है कि खाना, क्योंकि बाहर ऐसा मिलता नहीं है जो घर के मसालों में और जो घर के हाथ का खाना जो रहता है वो बहुत मतलब वो टेस्ट ही एक अलग आ जाता है और ऑब्वियसली मैं क्या इनफैक्ट सारे प्लेयर ही मिस करते हैं और फिर जब ये रहता है टूर्नामेंट खत्म होता है कि फिर जल्दी से घर जाएं फैमिली से मिलें तो वो चीज़ भी मिस करते हैं। आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि साहब दीप्ति शर्मा घर आ गई तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं फोटोग्राफ लेने? सबसे पहले तो न्यूज़ वाले जैसे ही उनको पता चलता है कि चलो दीप्ति आ गई चलो उनका इंटरव्यू लेते हैं आज, तो
ऑब्वियसली फैंस भी आते हैं, क्योंकि जब भी प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ तो उन लोगों का रहता है कि नहीं पहले फोटो ले लेते हैं उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो शॉपिंग को लेकर बड़ा हुआ अभी, चूंकि अभी बात भी चल रही थी तो आपके भाई भी बता रहे थे कि दीप्ति शॉपिंग माने रेयर करती हैं आगरा के, शॉपिंग का लेकर क्या है, कैसे करती हैं? नहीं मतलब मेरा तो शुरू से ऐसी रहा है कि मेरे को ग्राउंड पे टाइम बिताना है और ज्यादा ऐसे कुछ सोचा नहीं है, और कुछ ऐसे हॉबीज भी नहीं है कि जो लोगों की होती है कि शॉपिंग करना है, मूवीज देखना है, जाके सिनेमाज में, इतना कुछ मतलब मैं रखती नहीं हूँ अपने माइंड में। मतलब ऐसा सिंपल रहती हूँ जितना ज्यादा सिंपल रह सके, क्योंकि आप जहाँ पे अच्छे हो सकते हैं, जहाँ आपको होना चाहिए वहाँ पे आपको बस बेस्ट रहना है। माने जब कभी भी अगर आपका परफॉर्मेंस खराब चल रहा हो या फिर क्योंकि अभी तो आप फॉर्म में है, तो कभी फोन वोन जाता है घर से माँ बाबू जी का कि भाई दीप्ति कैसे खेल रही है यार, माने अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब जाता है कभी? नहीं डांट तो नहीं पड़ती, लेकिन हमेशा एक प्लेयर हमेशा अच्छा करना चाहता है, और कभी कभी होता है नहीं अच्छा होता है, तो घर से मोटिवेट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक आध माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे रहते हैं वो देख लेते हैं कि भाई परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा है तो ये ठीक कर। नहीं हाँ, क्योंकि अभी तो मम्मा को भी मतलब काफी ज्यादा क्रिकेट समझ में आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उतना देखते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे फॉलो कर रहा है और पता चला है कि नहीं बाउंड्री सिक्सेस विकेट में कितने सारे टाइप के होते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत उनको पता है, और वो बताते रहते हैं मैच के बाद कि नहीं आपने ऐसा खेला, ऐसे बॉल डाली, तो सारा उनको मतलब पता है, तो अच्छा लगता है। खाली समय में दीप्ति शर्मा क्या करती है, माने स्क्रॉल करती है सोशल मीडिया पर तो क्या देखती है, क्या देखना अमूमन पसंद है यार? मैं मतलब हाँ मतलब म्यूजिक वगैरह मैं सुनती हूँ काफी, और ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, मतलब ऑल टाइम जो चलते रहते हैं डिपेंड करते हैं, मतलब मूड कैसा है, फास्ट सॉन्ग या फिर स्लो, और गेम भी खेलती रहती हूँ कैंडी क्रश आईपैड में, तो मतलब ऐसे फ्री टाइम जो होता है वो निकल जाता है। ग्राउंड पर कितना पसीना बहा रही है, क्योंकि अब नजदीक है काउंटडाउन शुरू हो गया है, आई थिंक 3 अक्टूबर से शुरू है, 20 अक्टूबर को मुकाबला है फिर फाइनल का, किस तरह की अब एकदम तैयारी? तैयारी तो देखिए सेम ही चल रही है, क्योंकि जो आप सीरीज खेलो और जो वर्ल्ड कप खेलो प्रेशर तो होता है, कहीं ना कहीं बड़ा इवेंट रहता है, और प्रिपरेशन और जो माइंडसेट है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि सिचुएशन तो वहाँ पे जाके पता चलेगी क्या क्या सिचुएशन है और क्या क्राउड है, बिकॉज अभी जैसे WPL भी खेला था तो अच्छा क्राउड आ रहा था, तो क्राउड का तो लाइक इतना नहीं है, लेकिन बस यही है कि हम लोगों को जीतना है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको न्यूज 18 की तरफ से कि आप वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करें, और आगरा का नाम तो रोशन हो ही रहा है। दीप्ति शर्मा हमारे साथ, मैं हूं हरिकांत, न्यूज 18 आगरा।